नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का फलों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। जी लो जी, पहले आपको अनार की बोली दिखा दें, फिर देखेंगे और सब फलों के क्या कुछ रेट है जो यहाँ पर बोली चली है। मास्टर जी भी बैठे, और भी बंदे बैठे जी, टिंकू भी या तो बोली करने की बजाय दर्शक बन के देख रहे जी, भीड़ लगा रखे खाली। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, बाबू जी से बोलिए जी। माल तो अभी मीडियम है जी, तो बढ़िया बिकली होंगे फिर आएंगे जी। वाह भाई वाह, ले बेटे और बढ़िया ले, इससे बढ़िया अनार नहीं मिलेगा बेटे, हजार लिखूंगा बेटे। हाँ रख दे पारस के 10, हजार है बेटे, 18,000 है बेटे, 5 ले लो कोई बात नहीं, हजार है बेटे, हजार है। दोस्तों भीड़ बहुत कम है जी, कहाँ गई भीड़। आज भी 1400 का देंगे लोग बैठे हुए 3 दिन के लेके यार। 950 है भाई, 800 लिख दो, 800 भाई, लो जी 800 लाए, 800 जाए बेटे, 800 हो गए, 50 है, 800 मार दे यार, लो जी 800 रुपए दे, 5 इधर दे दे। बहुत तेजी हो गई थी इसी की वजह से मुंह से उतर गया रहा। आज भीड़ कहाँ गई जी, भीड़ क्या नॉर्मल आ गया बाजार। अच्छा जी, अब बाजार गिर गया और गिरेगा दिन ब दिन। अच्छा जी, हाँ माल कम होगा तभी, माल भी कम है हालांकि मंडी में। फिर लेने वाले कहाँ गए जी, तेजी बहुत थी, मुंह से उतर के आगे बिकेगा नहीं तो क्या करेंगे, पैसे नुकसान हो जाते क्या करेंगे। अच्छा, आगे बिकेगा नहीं महंगा तो नुकसान हो जाता जी, अब सेब आ गया, काबुल का अनार आ गया, कुल्लू आ गया, काबुल वाले ने तो ये जो अफगानिस्तान का सेब है जी नजारे बांध दिए जी, सारी मंडी में छा गया जी, गरीबों को रोटी उसी में मिलेगी राणा साहब। लोग मुझे गालियां दे रहे थे, तुमने उसकी प्रमोशन कर दी जी, सारी दुनिया ले रही जी उसको। तो यार आपने क्या प्रमोशन करी, दुनिया को पता नहीं माल आ रहा मंडी में। कश्मीर वाले रेट नहीं बताते, फिर हम अफगानिस्तान का भी ना बताएं जी, बताओ जी, बताना पड़ेगा भाई, सबको पता तो होना चाहिए ना। बताओ जी, कश्मीर का कोई रेट ही नहीं बताता जी, क्या मंडी में चाहिए, मंडी का रेट तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए जी। कश्मीर की जनता रेट पूछने के लिए बैठी, यहाँ कोई रेट ही नहीं बताता जी, बताओ। गलत बात है, देखो आप भी बोली, ओपन बोली दिखावा जी, आप सब अनार मंडी का रेट यहाँ निकलता है, आप ओपन दिखाते हो ना जी, बिल्कुल दिखाते हैं, ईमानदारी का काम है, बेईमानी थोड़ी ना कर रहे हैं यार। ऐसी आपको किसानों को बताना है, ऐसी व्यापारी को बताना जी, लोग रेट ही नहीं बताते, रेट ही नहीं बताते, आप जाओ ना कश्मीर वाला कोई रेट ही नहीं बताता, जिसके बाद माल नहीं होगा और 2400-2600 के कल कह रहे थे आपको, माल था उनका, माल पड़ा नहीं है, 2400-2600 के रेट बता रहे हैं, बताओ यार। अब जो है ना अफगानिस्तान की प्रमोशन करीब है, दुनिया उसको माल को ले रही जी, आज 100 कंटेनर आए जी अफगानिस्तान के। हाँ जी, सबसे ज्यादा उसी से पड़ा धनाधन बिक रहा जी, ये आप दे घंटे में कंटेनर रेट भी क्या है राणा साहब, 600-700 120 में बेच के रोटी मिलती है सबको, वाशिंगटन सेब को फैल कर रहा जी वो, तो इतना महंगा कौन खाएगा, नॉर्मल रेट आ गया बाजार का, आएगा धीरे धीरे। अच्छा जी, 300 रुपए डब्बे का फर्क पड़ गया 2 दिन में, करो जी बोली कितनी है भाई, 5 डब्बे एक बार मास्टर, 1200 है बेटे, 1000 भाई, 1000 जाए बेटे, 50 है, 50 1100 बेटे, 50 रुपए ले जा कमा बेटे, हो गया बाद में बोल रहा, अब 1050 बाद में बोलना जी। ज्यादा तेजी भी अच्छा नहीं, ज्यादा मंदा भी अच्छा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, एक लेवल का रेट चलता रहता ना, गाहक भी बहुत होता, अब मंदा हो जाएगा ना फिर गाहक आएगा, अब मंदा हो जाएगा पुराने रेट हो जाएंगे फिर गाहक पड़ेगा। इधर सेब ज्यादा बिक रहा जी, सेब मंदा रहा इसलिए गाहक उधर है, वो मिल जाता है, अनार कम आ रहा है, अभी कम होने का बावजूद भी अठाव कम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है भाजी अनार की, ये भी जाएगा जी दोस्तों, कम से कम जाएगा ये 1100 का जी, 7 ही डब्बे हैं बेटे, सिर्फ 7 ही है, 12 दाना भाई, 1400 है मास्टर, मुँह से बोलो, 1150 भाई, 1150, 60 भाई, 70 भाई, 80 भाई, 1200 ले लो जी, 1200 भाई दोस्तों, 1200 रुपये का भाई साहब ले लिया जी, 30 रुपए किलो डाउन हो गया, वहाँ 10 रुपए किलो गिरा रहे हैं और आने वाले टाइम में और गिरेगा। अच्छा जी, 300 रुपए डब्बे का फर्क है 2 दिन के अंदर। आज अफगानिस्तान का नार नहीं आज मंडी में, अफगानिस्तान दिख नहीं रहा, आप उधर गए थे, आज कंटेनर नहीं है जी, आज नहीं आज बॉर्डर पे रुके होंगे, कल डबल लोड हो जाएगा। अच्छा जी, बॉर्डर पे रुके होंगे किसी कारण, लेट हो जाता ना,
मास्टर क्वालिटी बहुत बढ़िया अनार की। सिर्फ 6 डब्बे 10 दाने के बेटे, 34 को दिया, 1500 लिखूंगा मास्टर, 1500 है, 1450 है, 1250 भाई, 10 दाना है यार, 60 भाई, 70 भाई, 1300 बेटे, 80 भाई, 1300, 1350 बेटे, 1300 लिख लो जी, 1300 रुपये में गया जी, 1300। आज का जी बढ़िया माल का क्या बाजार चल रहा जी? राणा साहब बढ़िया माल 1300-1400 रुपये रह गए, वो भी बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, यही रेट है, जो 1600-1700-1500 बिक रहे थे ना, 250-300 रुपये डब्बा डाउन हो गया। अच्छा जी, फर्क पड़ गया सीधा। मैं तो भी पीछे उनको बोला, मना कर दिया, अभी रुक जाओ, क्योंकि ज्यादा उठाव भी नहीं है, थोड़ा मंगाएंगे अब ठीक रहेगा। और कर्नाटक नहीं आज दोबारा? कर्नाटक भी होगा राणा साहब, कर्नाटक है ना, कर्नाटक है, लेकिन उसकी कीपिंग क्वालिटी नहीं है। अच्छा, लेकिन मंडी में फर्क तो पड़ गया ना, फर्क पड़ गया हर चीज का। हाँ जी, हाँ जी, ये भी लिख भाई, इसमें लिख दे, बहुत बढ़िया अनार आ गया बेटे। हाँ, 14 दाना ले बेटे, मजा आ जाएगा अनार देख के। इसमें लिख रहे आशिफ संभल के बटाला के, लिख 10 बटाला लिख जी। ये वही है मास्टर जो परसों ले गए थे एक्सपोर्ट का, 1500 का, याद है 12 दाना पेपर लगा हुआ। अरे वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया अनार है भाजी। एक आवाज बेटे, 1350 है बेटे, 1350 है मास्टर, परसों 1500 का ले गए यार, 1350 है बेटे, ज्यादा है बेटे, 1350 है, क्या लिखो उसे बोलो, बस 1000 भाई, 50 भाई, 70 भाई, 80 भाई, 1100 भाई, 1100 बांट दिया। लो जी 1100 रुपये का गया जी, उठावे। चलिए दोस्तों जान लेंगे 16 नंबर शेड में आज का अमरूद का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी अमरूद के। जैसे मंडी में जो है VNR अमरूद और पिंक ताइवान अमरूद, रेड डायमंड अमरूद, देसी अमरूद, ये आता है देसी है जो आ रहा सोनू मोनू भाई साहब के पास भी आ रहा और भी मंडी में आता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, कितने माल आए, क्या पोजीशन है, और यो कौन सा जी, क्या यो क्या चीज़, तो नई चीज़ जी, बेर है क्या चीज़ है, चलिए इसके बारे में भी जानेंगे और अमरूद के बारे में जान ले आज का जय भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। जय भाई साहब जी, कितनी गाड़ियाँ आ रही मार्केट में, क्या पोजीशन चल रही जी टोटल? माल कम आ रहा है। अच्छा जी, जो ये VNR है और पिंक है जहाँ तक की बात करें तो इनका जो अराइवल है काफ़ी कम है। पिंक का कम है? कम है, करीबन करीबन समझिए जहाँ पे 7-8 हज़ार बॉक्स आ रहे थे वहाँ पे 2-2.5 हज़ार बॉक्स हैं। पिंक ताइवान के अलावा रतलाम की एक छोटी गाड़ी आई थी 300-400 डब्बे की। अच्छा जी, मिला के 2500-3000 डब्बे का अराइवल है। पिंक हो, VNR हो, रेड हो, ये सारा मिला के। अच्छा जी, उसके बावजूद भी जो बाजार अभी जो स्लो मोशन में चल रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देसी अमरूद की आवक बहुत ज़्यादा है। ये जो देसी आ रहा है, देसी अमरूद आ रहा है, 15-16 गाड़ी डेली ये मार्केट में आ रही है अमूमन। अच्छा जी, 2-4 गाड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, पर अभी ये सीजन चल पड़ा है तो ये काम जो है ज्यादा जोर से चल रहा है। अच्छा जी, और रही बात इसकी VNR की और पिंक की, अब क्या हो रहा है कि जो माल अच्छे यहाँ पहुँच रहे हैं उसका तो रेट फिर भी ठीक है। हाँ जी, पर जो माल हल्के पड़ जा रहे हैं तो उसको ग्राहक ले नहीं रहा, उसके लिए ऑप्शन ग्राहक को ये मिला कि वो देसी अमरूद ले रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, और हल्के क्यों आ रहे जी? अब मौसम क्लाइमेट की वजह से कुछ बारिश हुई थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा गर्मी हुई तो क्या होता है माल में दागी बना आ ही जाता है। अच्छा जी, हाँ जी, आज का VNR का क्या बाजार चल रहा है? VNR का बाजार आज का 100-120 रुपए की पोजीशन है, सांगली वाले माल का। हाँ जी, सांगली के माल का, जो महाराष्ट्र सांगली का माल है, ये देखिए आप। अच्छा, बहुत बढ़िया खूबसूरत माल है, 100 से 120 रुपए के बीच में VNR जी। अच्छा जी, और जो जी जो MP वाले VNR है जी, MP वाले VNR जो गाड़ी आई थी उसमें करीबन 400 डब्बा था, पिंक ज्यादा था उसमें, पर जो VNR था भी वो उसकी पोजीशन 70 से 80 रुपए के बीच में रही, माल अभी बने नहीं है। अच्छा जी, अभी उसमें टाइम लगेगा, लगभग 15-20 दिन लगेगा। इस बार क्लाइमेट थोड़ा सा फॉरवर्ड चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। अच्छा जी, जैसे कि अभी बारिश हुई है या ठंड हो गई है जल्दी, इन सब चीजों का असर फसल पे सीधा सीधा आ रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो बात करें जी भाई साहब इसकी, अपना पिंक ताइवान, पिंक ताइवान जो है
जो पुणे का पिंक टाइम आना है आज 90 रुपए के आसपास के बाजार चले हैं। बहुत अच्छा टॉप का कोई माल है तो 100 रुपए की पोजीशन है, उठाव कम है। अच्छा जी, क्योंकि देसी का ऑप्शन मिल गया तो देसी में जा रहा है, जो सस्ता लेने वाला है 30-40-50 रुपए में देसी का अमरूद ले लेता है। अच्छा जी, अभी उठाव कम है, अभी ये 2-3 दिन ऐसी स्थिति रहेगी, उसके बाद फिर शायद थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे जो स्थिति है मार्केट में जो नवरात्रे का जैसे शुरुआत हुई थी नवरात्रे की, अब जो अखीर होगा नवरात्रे का तो थोड़ा फर्क पड़ता है उससे। अच्छा जी, और रेड डायमंड के मार्केट में कितना माल? रेड डायमंड का मार्केट स्टेबल है, 120-140 रुपए के बाजार है उसमें। अच्छा, स्टेबल है, अगर माल अच्छे हैं तो आपको दिखाते हैं रेड डायमंड। अच्छा, बढ़िया रेड डायमंड हमारे पास है। रेड डायमंड आए जी अभी है? हाँ जी, अभी जस्ट आया ही है, वो दिखाइए गाड़ी। अच्छा अच्छा, ये अभी गाड़ी है, ट्रेन से आ रहा माल? ट्रेन से माल आ रहा है। अच्छा, रेलवे स्टेशन से आया जी अभी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अभी उतर खोल बेटा इसको। ये क्या चीज है भाई? ये पैशन फ्रूट है जी। अच्छा, ये 2 नंबर माल बचा हुआ है। अच्छा, पैशन फ्रूट है। पैशन फ्रूट कौन से लगते हैं यहाँ पर? हाँ जी, पैशन फ्रूट आता है जी। अच्छा जी, ये रतलाम से आया था जी, हमारे पास कल आया था माल। हाँ, रखा हुआ है अभी तक। अच्छा जी, माल ये सही बना नहीं है, अभी तैयार हुआ नहीं है, किसान ने कच्चा ही तोड़ के भेज दिया है, इस वजह से माल बना नहीं है अभी। अच्छा जी, तो ये उसका मतलब कि समझो कि 3 नंबर माल है, 2 नंबर टाइप का माल। पैशन फ्रूट के क्या बाजार चल रही है? पैशन फ्रूट का बढ़िया, पैशन फ्रूट का बाजार 200-250 रुपए किलो की पोजीशन है, बाकी पैशन फ्रूट का कोई फिक्स मार्केट कभी भी नहीं होता। अच्छा जी, डिमांड के हिसाब से, अगर डिमांड आ गई तो 100 का माल 200 में, नहीं आई तो 100 वाला माल 0 है। अच्छा, अभी तक की ये स्थिति है, आगे चल के इसकी क्या स्थिति बनेगी मालूम नहीं। अच्छा, ये तो वैसा ये तो वीएनआर है, अभी ये जो खोल रहे हैं ये रेड डायमंड है। ये है रेड डायमंड, खोल के दिखा बेटे। वाकई जबरदस्त है, मजबूत माल है, आप क्वालिटी देख सकते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर है तो फिर बिल्कुल ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, बढ़िया माल है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि ज्यादा ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है बिल्कुल? नहीं, उससे कोई ज्यादा अब गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अच्छा जी, गर्म नहीं होना चाहिए। आप इसकी इसका साइज देखिए, साइज बढ़िया जी है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जो साइज है आप देखिए इसका। हाँ जी, इसमें 350-350 ग्राम का ये साइज है। अच्छा जी, इसमें फ्रूट में थोड़ा सा वेट ज्यादा मैंने महसूस किया, वीएनआर के मुकाबले इसका वेट मुझे लग रहा थोड़ा सा हल्का, थोड़ा कम हो सकता है, पिंक से थोड़ा ज्यादा है। अच्छा जी, हाँ जी, पर पीस का अगर वेट की बात करें, जो एक बार इसको रेड डायमंड को खाता है दोबारा याद करता है? याद भी करता है और लेने भी आता है, हमारे पास रिटेल में इतनी डिमांड हो चुकी है इसकी। हाँ जी, जैसे कि आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। हाँ जी, कस्टमर, अभी हमने आपको नंबर बता दिया तो कस्टमर हमें फोन करते हैं, फिर एक एक डब्बे वाले ग्राहक इसके प्रति आकर्षित होकर आते हैं इसके लिए। अच्छा जी, तो मतलब ये समझिए कि इसकी आने वाले इसका फ्यूचर जो है अच्छा है, इसका रेड डायमंड का फ्यूचर अच्छा है। अच्छा जी, बस ये है कि क्लाइमेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से क्वालिटी अगर बनेगी तो इसका जो है उत्पादन अगर अच्छा होगा तो ये अभी ये क्या रेट बिकेगा जी? अभी इसकी पोजीशन वही है मैंने आपको बताया, 120-140 रुपए के बीच में बिकना चाहिए। 120-140 जी सर। अच्छा, पैशन फ्रूट काट के दिखाओ जी। ये काटने लायक नहीं है, ये देख लीजिए, फिर भी दिखा देता हूँ, देखो जी। अच्छा, देखो आगे लो, कैमरा आगे कर लो, ये बहुत शानदार चीज है। अच्छा जी, तो बीपी शुगर, तो ये इसके बीज गिरे जाएंगे ये? हाँ, ये सीड्स हैं। अच्छा, सीड्स को ये चम्मच से निकाल के खाइए। जो उधर का आता है अपना केरला साइड का, वो तो बड़ा जबरदस्त मोटा आता है, ये पैशन फ्रूट मोटा छोटा सभी है जी। ये जो चीज है ये अभी क्या नई डेवलप हुई है रतलाम में। अच्छा जी, किसान ने बहुत अच्छा प्रयास किया। हाँ जी, ये खासरोद के किसान है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और ये जो चीज इन्होंने बनाई है। हाँ जी, इसके अंदर अगर इनको सफलता मिल गई, हाँ जी, ये समझिए कि आने वाले टाइम में इसके भी बहुत याद रहेगी मार्केट में। थाईलैंड से अपना केरला से भी आता है, थाईलैंड से भी आता है, टेम्परेचर के हिसाब से, पर प्रयास अच्छा किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देसी अमरूद के रेट तो बता दो जी। देसी अमरूद के रेट 25 रुपए से लेके और 50-55 रुपए तक चल रहे हैं। अच्छा, जो गोल्डन है 40-55 के बीच में, जो L49 है वो जो है 25-40 के बीच में। धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल 9604046939। यार ये तो मैं नहीं याद, 9604046939। बहुत बहुत शुक्रिया जी राणा जी। हाँ जी, आप थोड़ा कैमरा अपनी तरफ भी कीजिए, मैं तो सिंपल आदमी, सिंपल तो आप कितने हसीन और कितने खूबसूरत है। हाँ, सकल देखो, जैसी इसकी देख ली भाई की, ऐसी मेरी देख लीजिए। ठीक है जी, नमस्कार, सीधा कर लो, मुंदा कर लो, हमारी तो सकल ऐसी है जी। चलिए दोस्तों, जान लेंगे 18 नंबर साइड में आज का संतरे का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं विक्की ट्रेडर के पास, मंडी की सारी क्या रिपोर्ट है, आज कितनी गाड़ियां आई। मेन तो गाड़ियों से अंदाजा ही लग जाता है, जो जानकार हैं वो तो सारा इसी से अंदाजा ही ला लेते हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। धन गुरु नानक जी, गुरु नानक जी, धन गुरु नानक भाव जी। गाड़ियाँ कितनी हो रही है? गाड़ियाँ 24 के करीब है। 24 के करीब। कल कितनी थी जी? कल तो ज्यादा थी। अच्छा जी, कल ज्यादा थी, आज 24 है, कल से कम है जी। बराबर ही रहती है जी, वैसे देखा जाए तो संतरे 20 गाड़ी से ऊपर नहीं आना चाहिए।
अच्छा जी, क्योंकि 20 गाड़ी के अंदर जो है ना अब का दो जो मौसम खराब हुआ है ना, हाँ जी, उससे काफी फर्क पड़ गया है। अच्छा जी, तो ग्राहक थोड़ा टूट गया है और सेब काफी तेज है। अच्छा जी, तो ग्राहक जो है आ रहा है मीठे तेज है मंदा जी, बहुत तेज है जी। अच्छा, सेब सबसे तेज है इस टाइम। और अफगानिस्तान गाड़ियाँ भी बहुत, अफगानिस्तान भी ठीक हुआ उसके मुकाबले फिर अफगानिस्तान में भी तेजी आती है। अफगानिस्तान तो 700-750 रुपए की क्रेट है जी, तो बहुत ही वो वजन की तरह है, वो भी 10 किलो 9 किलो निकलता माल उसमें, 70-75 रुपए किलो पड़ता है, 80 लगा लो जी। तो भाजी वो हमारा बढ़िया ना डिलीशियस वगैरह ले, कौन सा जी डिलीशियस वगैरह ले, वो बढ़िया है। अच्छा, अपना बहुत वैरायटी आ रही है, बहुत अच्छे से आ रहे हैं खाने में, बहुत मीठे। अच्छा जी, तो ये भी अब संतरा भी बहुत लोग अफगानिस्तान वाले सेबों को ज्यादा ले रहे, जिसके आज भी वो कंटेनर है जी, थोड़ा सस्ता पड़ता है। हाँ जी, उस हिसाब से वो ले रहे। अच्छा, लोग परचून वालों को तो वही चाहिए। हाँ जी, सस्ता में जो रेडी पे चले। हाँ जी, ये संतरे भी जो बढ़िया है। हाँ जी, वो लोग पैसे नहीं खर्च रहे। अच्छा जी, सस्ते मांग रहे। बाकी आज बाजार जो है, हाँ जी, 41,000 रुपए से लेके 1300 रुपए तक की है। अच्छा जी, क्योंकि 100-150 रुपए बाजार नीचे आ गया है। अच्छा जी, संतरे जो अच्छे हैं, ये जो कल बरसात हो इससे क्या फर्क पड़ा जी? उससे फर्क ये है कि दुकानदारी नहीं हुई, लोगों के माल बच गए, शाम को बारिश हुई। हाँ जी, और शाम को दुकानदारी होती है बहुत। अच्छा, जबरदस्त। और शाम को दुकानदारी न होने से वो बाजार नीचे आ गया। अच्छा जी, और गाड़ियाँ थोड़ी ज्यादा आने से वो बाजार नीचे आ गया। अच्छा, क्योंकि बीच में 30-32 गाड़ियाँ लगी ना। हाँ जी, उससे मार्केट थोड़ा डाउन हो गया। और अब तो संतरे खाने लायक मीठे तो बहुत है। संतरे तो बहुत ही ऐसे, मैं कह रहा हूँ चीनी भी फेल है। अच्छा जी, संतरे बिक रहे हैं समझ लो 1000 से लेके 1500 रुपए का। अच्छा जी, 1500 का वो बिक रहा है जो 28-29 किलो है। अच्छा जी, बाकी जो 26 किलो वाले वो 1300-1200। अच्छा जी, संतरे इसी। ये जो गेती फसल अभी कितने दिन चलेगी है, पहले वाली फसल ये? हाँ, ये चलेगी दिसंबर तक। अच्छा जी, दिसंबर के बाद जनवरी में हमारा नया संतरा है लैन वाला ही है। भगवान ने चाहा, वाहेगुरु ने चाहा, तो संतरे बहुत अच्छे बने। भवानी मंडी भी तैयार हो लीजिए। भवानी मंडी में अभी कचरा है। अच्छा, वो आए थे फोन, अभी भी आया मेरे पास फोन भवानी मंडी का। अच्छा जी, मैंने मना कर दिया। हाँ जी, मैंने कहा भाई जल्दबाजी काहे को कर रहे हो, तो यहाँ पहले ये पिट रहे, तुम भी साथ में आगे मारो। अच्छा जी, मैंने कहा वो गलत है, ये लैन अभी खाने लायक अब बनी है। अच्छा, उनके तो चिल्लर भी नहीं उतरेंगे। अच्छा, और क्वालिटी जो है उनकी बनी है। अच्छा, और साइज बहुत मीडियम है, उसमें 205-91 इस रेट में तो मंडी में जाएंगे, वो खुला ले आएंगे जी। तो लूज आ रहे हैं, अभी 2-3 गाड़ियां आई थी लूज। अच्छा, बिकी नहीं, उन्होंने अपना रिपेयर करके बाहर भेजा। अच्छा जी, तो वो मजा नहीं है ना। और संतरे वो फीके। अच्छा जी, ये संतरे तो समझ लो चीनी से भी मीठे। हाँ जी, हाँ जी, जिस भाई को अगर एक क्रेट चाहिए बाजार में, आपने खाए नहीं होंगे, तो मैं आपको संतरे ऐसे दूंगा जो तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा जी, किसी भाई को अगर एक क्रेट भी चाहिए तो ये संतरे खाए। अच्छा जी, इससे मीठे संतरे आपने सीजन में नहीं खाए होंगे। बड़ी शानदार चीज है, गारंटी है, वाकई शानदार माल है। जरा सा भी खट्टा कह दे, हाँ, बच्चा कह दे, बूढ़ा कह दे, हमारी बहने बोल दे कि ये खट्टा है, तो मेरे पास क्रेट वापस लाओ, अपने पैसे ले जाओ। बताओ जी, और क्या चाहिए जी? इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये दुकानदारी लेते हैं, रेडी पटरी वाले नहीं लेते। अच्छा, और ज्यादातर रेडी पटरी वाले ले रहे हैं हरे। अच्छा, तो उससे क्या है, खट्टा दाना निकलता थोड़ा, तो वो लेडीज है मुँह से हटा देती है, संतरा नहीं खाना। अच्छा, ये संतरे खाए तब आपको पता लगे कि संतरे की क्वालिटी कहते किसे। वो क्रेट साथ में है जी? क्रेट साथ में ही फ्री दे रहे हैं जी। अच्छा, बर्तन डालो इसके अंदर। अच्छा, दो के बर्तन डालो, ये फ्री है। हाँ जी, हाँ जी, और काम के लिए आ जाएगी जी। आज तो जी, आज तो सारे तमाशा देखने वाले हो। ये तमाशा देखने वाले नहीं, लेने वाले। अच्छा जी, लेने वाले रतन भाई साहब है हमारे। ये तो काफी माल ले माजी, ये तो बड़े लूटते हैं भाजी वहाँ। अच्छा जी, यहाँ कहते हैं हमारे को 50 रुपए किलो का, वहाँ बेचते हैं, वहाँ जाओ तो ये बोलते हैं 90 रुपए किलो। खर्चा पड़ जाए जी, खर्चा पड़ जाता है, बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हमें भी तो एपीएमसी लग रही है। हाँ जी, हमें भी तो खर्चे देने पड़ रहे हैं, 1% एपीएमसी देनी पड़ती है जी। बाकी आए किसी भाई को भी अगर एक क्रेट चाहिए, आप मेरे पास आए, पर आना आपको 7:30 बजे पड़ेगा, सुबह में 7:30 बजे आएंगे, मैं आपको ऐसी क्वालिटी दूंगा जो आप घर पे। वो भी फोन करके आए, फोन करके, फोन करके आए तो वो भी कोई बात नहीं, मगर 7:30 बजे। अब हमारे नए नए, अपना मोबाइल नंबर बोल दो भाजी। अब नौ नए इलाके हमारे शुरू हो रहे हैं, तो उस हिसाब से जो मीठे क्वालिटी के संतरे हैं वही कटवाएंगे। अच्छा जी, तो इसलिए हमारे को पब्लिक को वही खिलाना है,
और दुकानदारों को भी वही देने कि जिससे कि उनकी दुकानदारी बढ़े, हमारा कारोबार बढ़े। चलिए, हमारी फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 9811117144। लो जी दोस्तों, बात कर लेंगे हम 17 नंबर सेट, जो 17 नंबर सेट में आते हैं दोस्तों, आपको दिखाएंगे सीताफल शरीफा। क्या शानदार माल शरीफा है यहाँ भाई साहब के पास, और अलग अलग स्टेटों का है, ये नहीं है कि एक दो स्टेट का है, यहाँ से 2-3 हज़ार 2500 किलोमीटर दूर तक के माल है इनके पास। चलिए जान लेंगे कहाँ कहाँ के माल क्या रेट। जी नमस्कार भाई साहब। राणा जी क्या हाल है? भाई साहब जी, आज तो आपके शरीफे ने जी मेरी तरह गोलू मोलू माल। वाह जी वाह, वाकई जबरदस्त है ये। गोल्ड कर्नाटक है? कर्नाटक, कर्नाटक जी। अच्छा जी, अच्छा ये कर्नाटक जी, कर्नाटक का है। अच्छा, माल बहुत बढ़िया क्वालिटी में है, गोल्डन में आ जी 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 जी। 1400 रुपए रेट निकला इसका आज मार्केट में, 1400 रुपए। और वजन जी कितना जी इसका? वजन पूरा 10 किलो था साहब। अच्छा जी, अच्छा। और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है ये? अच्छा जी, ये बहुत जी 1200-1250। हाँ जी, ये 1200। अच्छा जी, ये 1200 जो ये आप देख रहे हो क्वालिटी, ये कहाँ का जी है? ये भी महाराष्ट्र है साहब। अच्छा जी, कर्नाटक महाराष्ट्र और इसके अलावा जी रात का भी चालू हो जाएगा 2-4 दिन में। अच्छा जी, ये राणा जी महाराष्ट्र के 1200 रुपए की रेंज के माल हैं। अच्छा जी, कैसे बिकते हैं जी? अच्छा, सिंगल लेयर में रखे जी, तो सिंगल लेयर आए हैं, सिंगल लेयर। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, मार्केट डाउन है आज। इनका सिंगल लेयर का क्या रेट है जी? सिंगल लेयर होगा राणा जी 130-140 रुपए किलो ही बिकेगा। अच्छा जी, माल A1 है। एमपी का माल भी आ रहा जी मार्केट? एमपी का भी नहीं स्टार्ट हुआ, एमपी में भी है एक महीना, पूरा महीना है, एक महीने बाद चलेगा एमपी आफ्टर मंथ। और राजस्थान? राजस्थान आ रहा है साहब, बहुत आ रहा है। अच्छा जी, जो ग्रीन वाले माल है वो ग्रीन है, इसको गोल्डन बोलते हैं। अच्छा जी, गोल्डन में क्वालिटी है राणा जी 3-4 इलाकों की है। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के वीआईपी माल आ रही है आपके पास? जी साहब, आते ही वीआईपी है। अच्छा जी, अच्छा, तो 16 नंबर सेट में हो गया। और ये कहाँ पर हो गया जी आपका? ये खंभा नंबर 4 पे अभी तो। 17 नंबर सेट 17 नंबर सेट खंभा नंबर 4। अच्छा जी, MR फ्रूट्स दिल्ली। और मोबाइल शॉप नंबर D1289, मोबाइल नंबर है 9909039449। और एमपी वालों के भी रेट बता दो जी भाई साहब। एमपी वाले राणा जी अभी लगे नहीं है किसी के भी सीताफल। अच्छा जी, अभी एमपी वाले सीताफल में टाइम है अभी। अच्छा, पूरा एक महीना है। अच्छा जी, क्योंकि इसके अलावा परसुमन भी आ रहा जी अपने पास? ये परसुमन अपने पास नहीं आ रहा जी, परसुमन बाहर है, ये लेके बेच रहे हैं यहाँ। अच्छा जी, आपका तो बस ये अपना सारा माल अमरूद, सीताफल और अमरूद, अमरूद सांगली का, इंदापुर का, सब जगह का अमरूद आ रहा है। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद भाई, धन्यवाद राणा जी। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं 15 नंबर सेट में। चलिए जान लेंगे 15 नंबर सेट में आज का मौसमी का क्या बाजार चला। मौसमी आती है भाई साहब के पास, और ये माल्ट है जी, और किन्नू आता है। आज का क्या कुछ बाजार चला ये भी भाई साहब यहां पर चलिए जान लेंगे। गंडाराम एंड कंपनी, ये भाई साहब के मोबाइल नंबर, इनका भी बहुत पुरानी फार्म है जी, बहुत पुरानी फार्म। चलिए जानते हैं आज की जय माँ झंडे वाली की जी। नमस्कार जी, परम भक्त है जी माता झंडे वाली के जी। हाँ जी, हाँ जी, जय माता दी। बहुत बढ़िया जी, 30 गाड़ी मौसम्बी की है। अच्छा जी, बाजार अपना मौसम्बी का 28 रुपए लेके 38-40 तक है। 28 रुपए से लेकर 38, बाजार स्लो है। अच्छा, ग्राहक कम है, मौसम मौसम थोड़ी खराब रहा है। अच्छा जी, खराब होने से ग्राहक कम आया है। अच्छा जी, अब ठीक हो जाएगा, कल परसों बाजार ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, बाकी माल्टे की गाड़ी है, 25-30 गाड़ी माल्टे की है। हाँ जी, माल्टे भी किया 25 से लेके 35 रुपए तक बिके हैं। माल्टा 25 से 35, अच्छे माल 35, वैक्सीन वाले माल। अच्छा जी, वैक्सीन वाले भी आते हैं? हाँ, वैक्सीन वाले माल्टे आते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, मौसमी तो कभी वैक्सीन नहीं आती? ना, मौसमी आती, माल्टे आते हैं। तो माल्टा क्यों करते हैं वैक्सीन? माल्टा मिट्टी लगी जाती है माल्टे में ना, वॉशिंग वाले माल आते हैं। अच्छा जी, चमक आती माल में। अच्छा जी, ये तो मौसमी है ना जी? ये मौसमी है, माल्टा भी उधर लगा हमारे पास। अच्छा जी, और किन्नू का क्या बाजार चल रहा है? किन्नू बिका 8 से लेके 14 रुपए तक, 8 रुपए से लेकर 14 रुपए तक। बाकी डिमांड कम है मालों की, मौसम खुल गया आज, 2 दिन में बाजार ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो माल बिकेंगे। जैसे बदल बारिश हो, इससे फर्क पड़ा जी? बहुत फर्क पड़ा है, मार्केट डाउन हो गई पूरे पंजाब में। कितना टूट गया था जी बाजार कल इसका? मार्केट 4-5 भी डाउन हो गई थी, ग्राहक नहीं था ना। अच्छा जी, अब ग्राहक खूब आएगा, मौसम खुल गया, नराते शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, अब हो जाएगा ठीक है। अब तो जैसे ब्याह शादी का भी सीजन चलेगा, वैसा भी खूब माल बिकेंगे, खूब माल बिकेंगे, मौसम खुल गया माल बिकेंगे। पर मौसमी की गाड़ी तो कम होनी, जैसे पहले कम हो जाएगी, मौसमी कम हो जाएगी, माल्टा किलो बढ़ जाएगा। अच्छा जी, मौसमी अब कम होती चली जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए जी, बिक्री ठीक है जी? बिक्री कम है आज, कल से ठीक हो जाएगी, परसों। अच्छा, मौसम खुल गया। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का तरबूज का क्या बाजार चला। मंडी में तरबूज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या बाजार हैं भाई साहब के पास। ये जो तरबूज आया दोस्तों, और इनका 12 महीने तरबूज का, सर्दे का, और अपना खरबूजे का काम है जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाऊ जी, कितनी गाड़ियां आ रही जी मार्केट में टोटल तरबूज की जी? भाऊ जी, मार्केट में आज गाड़ियां कम से कम 30 गाड़ियां आ रही है मार्केट में। 30 जी? अच्छा जी,
तो बाजार कल कैसा था जी और आज कैसा जी? वो जी कल तो बाजार बहुत बढ़िया था, कल तो बाजार बिक रहा था 25 रुपए किलो, 26 रुपए किलो तरबूज। अच्छा जी, आज बाजार में बहुत मार्केट डाउन है, आज 20 रुपए किलो का बाजार है। आज 20 रुपए? हाँ जी। और कल तो देख लो बरसात भी थी जी, फिर भी बढ़िया माल 20 रुपए किलो बिक रहा है, बाकी हल्के मालों का कोई मार्केट नहीं है। अच्छा जी, कल से डाउन है जी? आज डाउन है और आज मार्केट में भी ग्राहक कम है। अच्छा जी, हाँ। और बाबू जी आज का ये इसका बोबी खरबूजे का क्या बाजार चल रहा है जी? बोबी खरबूजे का बाजार है 500 से लेकर 650 रुपए तक, 500 से 650 रुपए का डब्बा। हाँ जी, और वजन जिसमें? वजन इसमें बोल 10 किलो है। अच्छा जी, और बाबू जी ज्यादा बढ़िया माल है, 700 का ही बिक रहा है। अच्छा जी, और ये सर्दे के कैसे बाजार चल रहे? सर्दे का बाजार है 230 रुपए का, 230? हाँ, 200 रुपए, 230 रुपए, 160 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, ये मार्का अपना ही है जी? ये हमारा मार्का ये जाकिर। अच्छा, जाकिर वाला जी है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। तो और ये गाड़ी कहाँ की है भाऊ जी अपनी? भाऊ जी ये गाड़ी है आंध्र की। अच्छा जी, तो नंबर वन माल कौन सा चल रहा जी इस समय जी? नंबर वन आंध्र का है माल। अच्छा जी, अच्छा, और जैसे दूसरे अरे राजस्थान गुजरात इनके? राजस्थान का कोई बयान नहीं है, 15-16 रुपए, 15 रुपए किलो, 12 रुपए किलो। अच्छा जी, उनके डाउन है जी? हाँ, और गुजरात का ये बिक रहा है 20 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा, चलिए धन्यवाद सर जी। अपनी दुकान का एक बार एड्रेस मोबाइल नंबर जी? मेरा नाम जाकिर अहमद एंड कंपनी, B167, दुकान नंबर है, मोबाइल नंबर है 98 18 77 26 90। आपका भी माल बाहर भी जाता है जी? हाँ जी, जैसे कश्मीर वगैरह सारे में जाता है माल। अच्छा, मोबाइल नंबर दोबारा बोल दो जी? 9818772690। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का नारियल पानी का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी, आज मंडी में कितनी गाड़ियां हैं, क्या पोजीशन है जी। और दोस्तों, विक्रम भाऊ जी का तो अभी तक कुछ नहीं पता चला जी, क्या होया क्या नहीं उनके जो है। दोस्तों, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे मार लिए यहाँ पर, काफ़ी वो दिक्कत में थे जी, अभी पुष्टि नहीं हुई कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अभी तो बेचारे उनके जो भाई हैं वगैरह माल बेच रहे, बहुत सारे बंदे मंडी सारी दुखी है जी विक्रम भाऊ जी से। जिस दिन वो माल बेच गए उसके बाद वो कोई पता नहीं, काफ़ी टेंशन में थे, क्योंकि उनके 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए लोगों ने रोक लिए। सबसे बड़ी बात है कंपनियों के पास उनके पैसे रुक गए, इसलिए काफ़ी टेंशन में चल रहे थे जी। आ जाएंगे, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जी विक्रम बाबू जी जल्दी से जल्दी लौट कर आए यहाँ जहाँ भी हैं जी। चलिए जान लेंगे आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या पोजीशन है जी। इस मंडी का सबसे बड़ा रोना यही है जी, उधार ना दे माल नहीं बिकते, माल आ जाए बेचने भारी मुश्किल हैं, उधार दे दे लोगों से पैसे कटवाने मुश्किल, सबसे बड़ा रोना यही है जी। चाहे वो सेब वाले हैं, अनार वाले, फ्रूट में सारा यही सिस्टम है जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या पोजीशन भाई साहब के। हाँ नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जी मार्केट में जी? सर आज 50 गाड़ियाँ लगभग। 50 गाड़ियाँ जी, हाँ जी। तो कल से मार्केट कैसी है जी, कल क्या थी आज क्या है जी? कल से मार्केट कम से कम 2-3 रुपए का फर्क है, डाउन है आज मार्केट। अच्छा जी, हाँ जी। कारण जी? ये बरसात हो गई थी ना, इसके चक्कर में मार्केट डाउन है। अच्छा जी, और हर जगह बरसात है। अच्छा जी, हाँ जी, तो सारी जगह बरसात हुई जी। हाँ जी, आज के सारी मंडी की रिपोर्ट दे दी जो बी कोटा के माल है जिनके क्या बाजार चल रहे हैं? सर बी कोटा का जो माल है वो 42 रुपए का चल रहा है, टूट वाला 43 रुपए का चल रहा है, जो बढ़िया क्वालिटी है वो 46-47 से कम नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। और जो अपने ये वाले माल जी ऐसे माल ये? ये गुच्छे वाला जो मेरा टॉप का माल है बढ़िया माल, ये इसको मैं 46-47 से कम नहीं दे रहा हूँ पन्नी। अच्छा जी, 46-47 रुपए पन्नी, बढ़िया माल टॉप का गुच्छे में से काट कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और जो ऐसे ये परचून का माल 53 रुपए है, परचून का माल 53 रुपए। हाँ जी। अच्छा जी, और बिक्री मंडी में कैसी है जी? बिक्री डाउन है मार्केट। अच्छा जी, स्लो है, बहुत डाउन है। और कल ठीक थी जी? इससे कल सही था, बरसात हो गई इसके चक्कर में डाउन हो गया सर। अच्छा जी, माल तो बिक जाएंगे जी सारी मंडी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। और सर एक बात सुनो, जगदीश छोटू भाई साहब ने बताया कि विक्रम भाई जहाँ भी हैं ठीक है जी, आ जाएंगे, और जो है उतार चढ़ाव चल रहा है वो काफ़ी दुखी हैं जी, आ जाएंगे जी। वो गलत किसी ने फुआ फैला दी जी मंडी में, जैसे कहा कि मजाक करने वाले भी मंडी में बहुत है जी यहाँ पर। दोस्तों, शरीफ आदमी का कोई जमाना नहीं है जी, शरीफ आदमी के तो लोग पैसे नहीं देते जी। कल्ला बंदा आएगा अपना बैग लेके आएगा मंडी में, उसका कौन पैसा देगा जी? यहाँ तो 2-3 बंदे चाहिए घर के दबंग आदमी, तब पैसा निकलता है जी। बड़ी बुरी हालत है जी। और नगद में सौदे बिकते, नगद में थोड़े बहुत तो बिक जाते हैं, उधार तो सारी, जब उधार बेचनी तो गाड़ियाँ तो उधार में ही जाएंगी, और उधार लेने वाले ऐसे हैं जी वो देंगे ही नहीं पैसा, बस कभी कहीं बहुत परेशानी जी।